अपने जो गलियां हैं जिस तरीके से नगर निगम के लिए आपने शिकायत किया है क्या, फिर क्या नगर निगम क्या बोल रही है? शिकायत तो हमने कई बार, हम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से भी मिले, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड चला जिससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ, कई काम होते होते रुक गए थे, तो आशा करते कि बहुत जल्दी ये बने हैं। और बाकी तो खैर जब काम हो जाए तभी देखा जाए। बनारस में जिस तरीके से मोदी विधायक, कई जगह काम हुए हैं लेकिन जो अंदर की हैं, मतलब मेन जो असल में यहाँ बिहार से अधिक लोग बस गया के जी, और अंदर के कई काम रुके हुए हैं, और सीवर इवर तो यहाँ है ही नहीं। अब चूंकि यही है कि शिकायत करने पे और कुछ काम के लिए जाने पे बस यही जवाब मिलता है कि प्रक्रिया में है, हो सकता है हमारी बातें वहाँ तक नहीं पहुँच रही जहाँ तक जाना चाहिए, तो आपके माध्यम से कम वहाँ तक बात जाए कि अंदर ये सत्यम नगर, कृष्णा नगर इधर कभी डेवलप करे। बेसिकली नगर निगम वाले को इस साइड एरिया में भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, इस तरीके का नगर निगम वालों को भी देना चाहिए, और हमारे जो यहाँ के असम ये जो ग्राम सभा था तो यहाँ की प्रधान जो है हमारी शांति देवी, तो उन तक भी बात गई थी, लेकिन चूंकि कई जगह काम अभी हुआ नहीं है, और लक्ष्य तो वही है कि पहले इधर कहीं सब काम किया जाए, अपना घर पहले संवारा जाए, फिर अपनी गलियां संवारा जाए, और धीरे धीरे करके पूरा जो है ये क्षेत्र और एक सुंदर वो सिटी जो होता है ना, जो आपके हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो ख्वाब है उसको लग के पूरा किया जाए। अब मैसेज ये है कि हम लोग सब लोग मिल करके, चाहे उधर बिहार के लोग आके यहाँ बसे हों चाहे लोकल के हों, सब लोग मिल करके, और हम लोग अगर जीत हो जाए आगे चल के लड़ा जाए तो, और यहाँ के विकास के लिए हम लोग सब लोग मिल करके एकजुट होकर के लगा जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।